अमरकंटक में पुष्कर डैम तथा रामघाट निर्माण को लेकर अमरकंटक नगर परिषद उपाध्यक्ष राम गोपाल द्विवेदी ने बीएसपी 24 न्यूज रिपोर्टर विपुल कुमार से बात करते हुए बताया कि अमरकंटक के पुष्कर डैम रामघाट के जर्जर स्थिति को देखते हुए इसके निर्माण को लेकर पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस विषय को लेकर उन्होंने मंत्री बिसाहू लाल से भी मुलाकात की और रामघाट निर्माण को लेकर नगर अध्यक्ष प्रभा पनारिया तथा नगर उपाध्यक्ष राम गोपाल द्विवेदी के द्वारा पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। देखिए विपुल कुमार की यह खास रिपोर्ट। बीते दिनों अभी कुछ दिन पहले अध्यक्ष मैडम और आप भोपाल गए हुए थे मंत्री बिसाहू लाल से मिलने जी। तो पुष्कर डैम को लेकर क्या चर्चा है आपने की? हम और हमारे अध्यक्ष महोदय गए माननीय मंत्री जी के पास, बिसाहू लाल जी के पास। उन्होंने पत्र भी लिखा, मुख्यमंत्री जी के लिए लिखा, जल संसाधन के प्रमुख सचिव के लिए भी पत्र लिखा और कलेक्टर साहब को भी पत्र लिखा कि तत्काल डैम को साफ सफाई, जो आज डैम की पानी नहीं है, पुष्कर डैम नहीं, वो एक अमरकंटक का हृदय है। नर्मदा नदी अमरकंटक का हृदय कहलाता है, वो ऐसे जगह में है, उसको डैम की संज्ञा ना देके वो हमारे स्नान कुंड है। उसके संरक्षण के लिए हमारी अध्यक्ष महोदय, हम स्वयं, हमारी परिषद, नगर परिषद प्रयासरत हैं। पूर्व में हमने उसकी कुछ खुदाई किए थे, कुछ सफाई किए, जो हमारे स्तर पे नहीं रहा। शासन से मांग के लिए हम हमेशा कलेक्टर महोदय से संपर्क करते रहते हैं। नगर में कुछ जन सहयोग से भी काम शुरू किए थे, जो वो पूरा नहीं हो सकता काफ़ी मात्रा में। उसी बीच में हम माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी को भी बुलवाए थे, वो भी दिखवाए हम कि ये काम होना चाहिए। उन्होंने भी इस विषय को चिंता किया है। हमारे कुछ आश्रम के महंत श्री हैं, वो भी इस विषय पे चिंतन करते रहते हैं और हम तत्काल इसका काम पूरा करेंगे। इसमें हम ये चाहते हैं कि ये नदी निरंतर रहे। आज थोड़ा सा ज़रूर लोगों ने इस पे वो कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं कि डैम में पानी नहीं है, नदी में पानी नहीं, लेकिन हम कुछ करने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। आज 32 वर्षों में ये डैम ऐसा संयोग बना कि खुला, लॉकडाउन के दरमियान में। हम ये चाहते हैं कि ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, इसकी जितना सुंदर कर सकें इसको, अमरकंटक को उतना ही सुंदर ये बनेगा, क्योंकि लोग आएंगे, स्नान करेंगे। उसके दोनों तट में हम चाहते हैं कि बढ़िया पथवे बने, घाट बने, लोग आएँ स्नान करें, लगे लोगों को कि हम नर्मदा जी में बैठ के शांति मिल रही है, यही हमारा प्रयास है। कहीं ना कहीं आज जो वर्तमान की स्थिति है, तो लोगों का सीधा सीधा यही कहना रहता है कि नगर परिषद के कहीं ना कहीं अधिकारियों का ध्यान नहीं है यहाँ पर। नहीं, नगर परिषद पूर्णतः इसमें सहयोग कर रही है। अब ये जरूर है कि नगर परिषद के एंडओवर ये डैम नहीं थे, हम देख रेख जरूर करते थे, ये जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता था। अब हमारा नगर परिषद का पूरा दायित्व तो बनता है कि इसको देख रेख, लेकिन उतना बजट ना होने की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। और नगर परिषद CMO अध्यक्ष महोदय निरंतर इस विषय को रख रहे हैं कि इसकी साफ सफाई हो, और हमारे नगर के लोग भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। कुछ होते हैं, सब जगह होते हैं कि किंतु परंतु वाले, उस पर अपन नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अमरकंटक जितना सुंदर हो सके और नदी का प्रवाह बन सके। सारे डैमों को हम प्रयासरत हैं, उसके एस्टीमेट भी हम बनवाए हैं। हमारा लगभग 5,24,00,000 का एस्टीमेट बना हुआ है, वही एस्टीमेट लेके हम गए थे भोपाल, तो वहाँ भी चर्चा किए हैं और प्रयास जारी है कि हम उसको पूरी तरह से काम करवाएंगे। और चाहते हैं कि अच्छा हो, और पुनः मैं महाराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ वृक्षारोपण का उन्होंने चिंतन की है, और नगर परिषद की ओर से उनको जो सहयोग लगेगा मैं करने को तैयार हूँ। ना अभी
5100 पौधे लगाने की बात कही गई, क्या इतनी जगह नगर परिषद के द्वारा इनको दी जाएगी कि पूरे पौधे इनके लग सके? अमरकंटक में इतने स्थान है कि 51,000 पौधे लगाने का भी स्थान है। यदि वो चाहते हैं कि हमको यहाँ 51,000 पौधे लगाना है तो हम चल के साथ में उनको स्थान उपलब्ध कराएंगे और दिखाएंगे। देखिए सामने सामने जंगल दिख रहा है, अंदर आप जंगल के जाएंगे पूरा जंगल साफ है, और इसमें जंगल विभाग का भी सहयोग लेना जरूरी है क्योंकि उनके द्वारा संरक्षण भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनके द्वारा यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वृक्षारोपण उन्होंने किया लेकिन उसमें सुरक्षा करने में असफल रहे।